सो हेलो एंड वेलकम यू ऑल, आई एम रोहित फ्रॉम मर्चेंट ट्रेडर। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं टाटा के एक अच्छे स्टॉक के बारे में, जिसके बारे में काफ़ी कुछ बातें हो रही है और काफ़ी कुछ न्यूज़ में स्टॉक हमें दिख रहा है पिछले कुछ दिनों से। तो स्टॉक का नाम बोलने से पहले और उसके बारे में एनालिसिस करने से पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना और सपोर्ट करना गाइस। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो टाटा BSL, टाटा स्टील BSL के बारे में हम बात करने वाले हैं। 89 रुपये स्टॉक की करंट प्राइस चल रही है और स्टॉक हमें गिरता हुआ दिख रहा है। गिरने का भी एक रीज़न है, कुछ रिट्रेसमेंट चल रहा है स्टॉक में, जिसके कारण ये साइडवेज जाता हुआ गिरते हुए दिख रहा है। 5 दिन की बात करें तो 3 रुपये स्टॉक गिर रहा है, काफ़ी कुछ दिनों से रिट्रेसमेंट करने की कोशिश कर रहा है। बट 1 साल की बात करूँ तो स्टॉक ने सीधा, हम 1 साल पे ही आते हैं, स्टॉक ने 322% का रिटर्न दिया है। स्टॉक सीधा 21 रुपये से 105 रुपये तक भी गया था और अभी 89 इसका प्राइस चला, 67 रुपये से स्टॉक बढ़ा है। काफ़ी कुछ स्टॉक में चेंजेस हमें देखने को मिल रही है। 6 महीने की अगर बात करूँ, 44 रुपीज़ स्टॉक में बढ़त हमें देखने को मिल रही है और 100% का स्टॉक में चेंज हमें देखने को मिल रहा है। अगर मैं मार्केट कैप की अगर बात करूँ तो 9,850,000 करोड़ का मार्केट इसमें चल रहा है। 90.65 रुपीज़ इसका 52 वीक्स का हाई है, 52 वीक्स की लो की अगर बात करें तो 88.80 इसका लो है और ओपन आज हुआ था है 90.50 पर और हाई इसने लगा था 90.65 का और 88.80 का इसका लो आज हमें देखने को मिल रहा है। तो गाइस, जो मेन इम्पोर्टेंट हमारा टॉपिक है उस पर आते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक चार्ट हमें स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा और आपको इसमें ब्रेकआउट भी दिख रहा होगा अगर आप ध्यान से देख रहे हो। तो वन डे चार्ट फ्रेम पर हम पहले इसका एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पर एक इजी सा पैटर्न है, यहाँ पर हमें ब्रेकआउट मिला था ऊपर की ओर, ब्रेकआउट मिलते से ही स्टॉक गया था 107 रुपये तक इस जगह पे 107 रुपये तक ये स्टॉक गया था। उसके बाद की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर फिर से इसने सपोर्ट लिया इस जगह पर, सपोर्ट लेने के बाद फिर से ऊपर की ओर गया और इसने 109 का इसने हाई लगाया, 109 रुपये का इसने हाई लगाया। आप देख सकते हैं यहाँ पे साइड में 109 रुपये इसका हाई चल रहा है, तो 109 का इसने हाई लगाया। उसके बाद फिर ये साइडवेज आता गया, ऊपर गया, साइडवेज, फिर साइडवेज, फिर इस जगह पे इसने सपोर्ट लिया। तो यहाँ पर फाइनल हो गया था कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, यहीं से फिर से उठा और यहाँ पर गया, फिर यहाँ पर इसने टच किया, ब्रेकआउट हमें मिलना चाहिए था बट ब्रेकआउट नहीं मिला, रिजेक्शन मिला, फिर रिजेक्शन मिलने के बाद फिर नीचे और फिर उसी जगह पे सपोर्ट लिया। लगभग इसका 3री बार इस जगह पे इसने सपोर्ट लिया था, फिर ऊपर गया, फिर रिटेस्ट किया, अपना रिजेक्शन मिला, फिर इसी जगह पे इसने सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद क्या हुआ, सपोर्ट लेने के बाद जब ये ऊपर गया तो फाइनली इसने यहाँ पर इस लेवल को ब्रेक कर दिया। तो पूरा मैं क्लियर करके आपको बताता हूँ कि इसने कहाँ पर ब्रेक किया। हाँ, तो आप देख सकते हो इस जगह पर इसने यहाँ पर हमें ब्रेकआउट मिलता हुआ हमें दिख रहा है। फाइनली इसने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद क्या हो रहा है, ब्रेकआउट देने के बाद इसमें हमें आप देख सकते हो, ब्रेकआउट देने के बाद ऊपर गया, फिर ये रिट्रेस करने की कोशिश कर रहा है। और आपने कहीं पर पढ़ा होगा और काफ़ी कुछ यूट्यूबर्स के वीडियोज़ अगर आपने देखे होंगे तो एक बात बोलते हैं कि रिट्रेस करके ये ऊपर की ओर जाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर भी वही सिचुएशन है, ऊपर आके ब्रेकआउट देके ऊपर जाने की कोशिश करेगा और 109 का ये टारगेट इजीली अचीव कर सकता है। तो ये हो गई वन डे टाइम फ्रेम की बात। तो अगर मैं यही पैटर्न 1 आवर टाइम फ्रेम पर बनाऊँ, 1 आवर टाइम फ्रेम पर अगर हम यही पैटर्न बनाएं तो यहाँ पर भी वही पैटर्न हमें बनता हुआ दिख रहा है। तो मैं यहाँ पर एक पैटर्न बनाता हूँ, तो यहाँ पर मैं एक पैटर्न बनाता हूँ इस लेवल पर, ज़्यादा दूर नहीं जाते, यहीं से हम एक लेवल बना देते हैं, लेवल ड्रॉ कर देते हैं
हाँ, तो लेवल के हिसाब से आप स्क्रीन पर देख सकते हो। इसे थोड़ा छोटा कर देते। हाँ, तो यहाँ पर भी वही सिचुएशन, यहाँ पर इसे रिजेक्शन मिला, फिर ये नीचे आया, फिर यहाँ पर सपोर्ट लिया। हम सीधे सपोर्ट की अगर बात करें तो यहाँ पर इसने लगभग 3 जगहों पे सपोर्ट लेने की कोशिश की है। वो रिजेक्शन की बात करें तो एक यहाँ पर इसने रिजेक्शन मिला है। रिजेक्शन और सपोर्ट ये दोनों एक इम्पोर्टेंट एरिया, इम्पोर्टेंट जोन बन जाते हैं। और फाइनली इसने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद ऊपर गया, रिट्रेस किया, ऊपर गया। यहाँ पर से ऊपर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अच्छा ऊपर की ओर जाए, बट ये नहीं गया, क्योंकि मार्केट तब 12 जुलाई के समथिंग मार्केट डाउन चल रहा था, और आज भी मार्केट में काफ़ी कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिला है। बट इसमें आगे क्या हो सकता है? रिट्रेसमेंट किया, नीचे आया, तो ये यहाँ पर भी सपोर्ट लेके ऊपर की ओर जा सकता है, और ये नीचे आने की कोशिश करेगा। बट यहाँ पर एक कैंडल हमें बनती हुई दिख रही है, तो एक यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर जो कैंडल हमें बनती हुई दिख रही है, एक कैंडल जहाँ पर भी नीचे के लेवल पर अगर बनती है तो वहाँ पर हमें बुलिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर भी देख सकते हो, यहाँ पर भी वो कैंडल बनी है, यहाँ पर भी बनी है, और यहाँ पर भी बनी है। कई सारी जगहों पर वो कैंडल हमें बनती हुई दिख रही है, और वही कैंडल की वजह से यहाँ पर हमें बुलिश मोमेंटम इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। तो काफ़ी सस्ता स्टॉक है, 89 रुपीज़ में आपको मिल रहा है, और हो सकता है कल मार्केट खुलते ही इसमें हायर राइस लग जाए, और 109 का टारगेट जो हमारा है, ये वाला टारगेट, सॉरी 98 का जो हमारा टारगेट है, वो इजीली इसमें अचीव हो जाए। तो काफ़ी कुछ अच्छा हद तक इसमें हो सकता है, काफ़ी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ इसमें हमें दिख रही है, काफ़ी कुछ अच्छा इसने रिटर्न दिया है। पिछले एक साल की बात करूँ, 6 महीने की बात करूँ तो। सो गाइस, आपको वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।